आलेखन बनाने से पहले जिस आकार में आप आलेखन बनाना चाहते हैं उसमें मुख्य चीज़ों के लिए बिंदु लगा लें, जैसे कि फूल हो या फिर तितली या मछली, जहाँ भी आप बनाना चाहते हैं उसके लिए सोच लें। जैसे कि मैंने यहाँ फूल के लिए बिंदु लगाया है और यहाँ तितली के लिए बिंदु लगाया है। आप चाहें तो यहाँ फूल भी बना सकते हैं। मैं यहाँ तितली बना रही हूँ। जब हम दो हिस्सों में आलेखन को बनाते हैं उसका केवल एक हिस्सा ही बनाना होता है, तो मैं केवल एक हिस्सा ही बनाऊंगी और उसके बाद उसे ट्रेस करूंगी। पेंसिल को हल्का करके चलाएं ताकि दोबारा मिटाकर बनाना हो तो उसे बना लें, इससे हमारा पेज खराब नहीं होगा। अगर आप पेपर के लिए कोई आलेखन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से ही बनाकर उसकी प्रैक्टिस कर लें, इससे आपका काफ़ी सारा समय बचेगा और वह तय समय पर पूरा हो जाएगा। रंगों का चयन भी आप पहले ही कर लें। कलर ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ पृष्ठभूमि और आपने जो आलेखन बनाया उसके साथ मैच करते हुए हों। तो जैसे कि हमारी ये तितली पूरी हो गई है, अब मैंने यहाँ बिंदु लगाया था फूल के लिए, अब मैं यहाँ फूल बनाऊंगी, सूरजमुखी का फूल। आप अंडाकार में भी बना सकते हैं या फिर गोल भी बना सकते हैं, ये आप देख लेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेहतर लगेगा। पत्तियों को दोनों साइड से बनाते हुए चलें। थोड़ी बहुत इधर उधर पत्तियां होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो आप ठीक कर लें चाहे आप बाद में ठीक कर लें। एक आध पत्तियां कम भी होंगी तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको इस तरह से लगाना है कि उसमें कमी ना लगे कि कुछ पत्तियां कम है या ज़्यादा। आप इसकी जगह सूरजमुखी फूल की जगह आप कोई दूसरा फूल भी बना सकते हैं।
तो अब हमारा ये फूल पूरा हो चुका है। अब हम बाकी के हिस्से को पूरा करेंगे। तो जैसे कि यहाँ हमारी जगह खाली है, तो हम यहाँ जैसे इसमें जो भी हाथ फिट हो सकता है उस चीज़ को बनाएंगे। जैसे कि हमारी यहाँ खिलती हुई कली पूरी हो सकती है, तो हम यहाँ पर कली निकाल लेंगे। फूल चाहे किसी का भी हो, जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसा ही बनाएं। जैसे कि बीच में अगर हम फूल बना रहे हैं तो वह सीधा बनाना चाहिए, अगर हम वैसे बना रहे हैं अलग तो उसे झुकता हुआ बनाएं। झुकता हुआ या उठता हुआ जैसे चाहें आप बना सकते हैं। अब हमारी ये कली पूरी हो चुकी है। अब यहाँ हमारा थोड़ा सा हिस्सा खाली है और हम यहाँ कुछ और बना सकते हैं। तो हम यहाँ छोटी सी टहनी निकाल देंगे। और यहाँ भी एक टहनी बनाएंगे निकलती हुई। तो अब हमें यह देखना होगा कि हम बाकी के हिस्से को कैसे पूरा करेंगे। जैसे कि हमारी यह जगह खाली है, तो हम इसे यहाँ पर पत्ती बना सकते हैं और हमारी ये पत्ती सूरजमुखी की फिट भी हो जाएगी यहाँ आसानी से। सबसे पहले हम बीच का हिस्सा बनाएंगे, इससे क्या होगा हमारी पत्ती को पूरा करने में आसानी होगी। बीच से लेकर बनाएं, उसके बाद आसपास का हिस्सा बनाएं। सूरजमुखी की पत्तियाँ शुरू में चौड़ाई लिए हुए होती हैं और धीरे धीरे करके छोटी होती चली जाती हैं। कट अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा फेर बदल भी कर सकते हैं। जगह को एडजस्ट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। या पर अपने अपने आप से कुछ और भी अच्छा बना सकते हैं तो वह भी बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम छोटी सी पत्ती को निकलते हुए दिखा सकते हैं। तो अब हमें ये जगह पूरी करनी है। इस ऐसा कुछ देखना होगा हमें जो इस जगह को पूरा कर सके। जैसे कि यहाँ हमारी थोड़ी सी जगह खाली है, तो हमने टहनी पर से छोटा सा कट निकाल दिया है, जैसे कि जिसमें से पत्तियाँ या कली निकलती है। अब हम इसे पूरा करने के लिए इस हिस्से को एक पत्ती निकालेंगे जो यह हमारी आसानी से पूरी हो जाएगी। तितली को हम बाद में पूरा कर लेंगे। बीच से ही बनाएं।
तो हमारी यहाँ पत्ती पूरी हो चुकी है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और तितली को छोटा कर देंगे, क्योंकि वैसे भी तितली कई प्रकार की होती हैं, तो इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की भी तितली होती है। तो हमारा ये आलेखन पूरा हो चुका है। अब हमें इसमें उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे पूरे आलेखन को ट्रेसिंग करेंगे, ताकि हमें दूसरे दूसरे हिस्से को पूरा कर सकें। इसमें हम यहाँ बीज बना देंगे। ट्रेसिंग करने के लिए आप 4B या 6B की पेंसिल का यूज करें और उसे थोड़ा डार्क करके चलाएं, जिससे हम दूसरी तरफ आसानी से ट्रेस कर सकें। ट्रेसिंग पेज को अच्छे से पकड़ कर रखें, ताकि वह हिले नहीं। आलेखन बनाते समय आपको लय का ध्यान रखना होगा, कहीं तोड़ मोड़ नहीं दिखाई देना चाहिए। आप इसे ट्रेसिंग के द्वारा वर्ग में भी बना सकते हैं। चार हिस्सों में छाप कर
अब हम इसे पेंसिल से डार्क कर लेंगे। और इस तरह से आप कोई भी नया आलेखन बना सकते हैं किसी भी फूल द्वारा। अब हम इसमें कलर करेंगे। पृष्ठभूमि में कलर करने के लिए मैंने रेड कलर लिया है, रेड कलर कुछ कम लिया है और वाइट कलर ज़्यादा। पृष्ठभूमि में कलर करने के लिए आपको दूसरे कलर से ज़्यादा कलर बनाना होगा ताकि हमारा ये कलर कम ना पड़े और बाद में कभी कहीं कोई दूसरा कलर लग जाए तो उसे इससे पूरा कर सके। उसके ऊपर इसे फेर सकें ताकि आलेखन खराब ना हो। कलर की थिकनेस ऐसी होनी चाहिए कि वह भरने में भी आसानी हो और पेज पर बहे ना।
तितली में कलर करने के लिए मैं नीला रंग ले रही हूँ और इसमें वह हल्का सा वाइट कलर मिलाऊंगी। अगर चाहें तो आप अपने हिसाब से भी दूसरे कलर की तितली बना सकते हैं, जैसी आपको अच्छी लगे। बस वह दूसरे कलर के साथ अच्छे से मैच करनी चाहिए। फूल में भरने के लिए मैं लेमन येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। लेमन येलो कलर पहले ही काफ़ी हल्का कलर है, तो इसमें दूसरे कलर मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और फूल पर आउटलाइन करने के लिए मैं रेड कलर का यूज करूंगी, क्योंकि इस पर यह अच्छे से दिखाई देगा। चाहे तो आप कोई दूसरे डार्क कलर का यूज कर सकते हैं, बस वो कलर ऐसा होना चाहिए जो उससे मैच करता हुआ हो या फिर अच्छा लगे। पत्तियों में मैं ग्रीन कलर का यूज करूंगी, यह हल्का ग्रीन है। इसमें मैंने कोई और कलर का यूज नहीं किया है, केवल यह हल्का ग्रीन यूज किया है। और फूल के बीच में ब्लैक कलर और तितली को पूरा करने के लिए करूंगी। फूल की टहनियों को आप इस कलर से भी कर सकते हैं या फिर आप ग्रीन कलर से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे ऐसा आप कर सकते हैं। मैंने इस कलर का उपयोग इसलिए किया है ताकि ये ठीक ज़्यादा दिखाई दे।